हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं सर रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है राइटिंग फॉर डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया आर एनी मीडिया दैट एनकोडेड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स। डिजिटल मीडिया कैन बी क्रिएटेड, व्यूड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉडिफाइड एंड प्रिजर्व ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पहले हम बात कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया जो है वो ऐसे मीडिया हैं जिनको एनकोड कर सकते हैं मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स में। इट मींस कि उनको हम ऐसी स्टोर कर लेते हैं या एनकोड कर देते हैं जिनको मशीन्स रीड कर सकती हैं। जो डिजिटल मीडिया है उसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं और फर्दर टाइमिंग के लिए हम उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। डिजिटल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी सजेस्ट दैट वी आर एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा इन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज। जो डिजिटल मीडिया है और जो इसके इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पर, ये सजेस्ट करते हैं कि हम एक ऐसे एरा में आ गए, ऐसे एरा में आ गए हैं जो ऐसा एरा है कि जो इंफॉर्मेशन एज का एरा है। इट मींस इंफॉर्मेशन एज मींस कि यहाँ पर क्या है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस हीप में से हम ले सकते हैं। ऑल्दो रूल्स फॉर जर्नलिज्म राइटिंग्स आर सेम फॉर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बट इन ऑनलाइन मीडिया देयर आर सर्टेन चेंजेस वी हैव टू फॉलो बिकॉज ऑनलाइन इज अ डायनामिक प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग। जो जर्नलिज्म राइटिंग है उसके जो रूल्स हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, रूल्स वो सेम होते हैं, बट जो ऑनलाइन मीडिया है उसमें कुछ चेंजेस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन हमारा मीडिया है वो एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या होता है, वो मीन्स उसमें चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं है। इट इज मिक्सर ऑफ प्रिंट एंड टीवी। इसमें क्या है, प्रिंट और टीवी दोनों की क्वालिटीज है। अब इसके हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इसकी राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल क्या है, यूज प्रेजेंट टेंस। इट मींस कि जो भी हम राइटिंग कर रहे हैं, जो भी हम ऑनलाइन राइटिंग कर रहे हैं, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस का? प्रेजेंट टेंस जो है वो इमीडिएसी दिखाता है। इट मींस कि जो न्यूज है उससे हमें पता लगता है कि ये रिसेंट है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो इवेंट हुआ है वो पुराना नहीं है। सेकंड है ओमिट आर्टिकल। हमें बहुत ज्यादा ग्रामर पे जोर नहीं देना है, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हम ऑडियंस तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि शॉर्ट से शॉर्ट सेंटेंसेस बने। नेक्स्ट है ओमिट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू बी। अब जो नेक्स्ट रूल क्या है कि हमें क्या ओमिट करना है, जो प्रेजेंट टेंस है फॉर्म टू बी की, जैसे एम, हमें एम का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है रिप्लेस विल विद टू। जैसे विल जो वर्ब है जो फ्यूचर के बारे में हमें बताती है, जैसे कि सेल टैक्स इंक्रीज होने वाले हैं, तो हमें ये नहीं बोलना कि सेल टैक्स विल इंक्रीज, हमें क्या बोलना है, सेल टैक्स टू इंक्रीज। नेक्स्ट है रिप्लेस एंड विद सेमीकॉलन। अब इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताया गया है कि जो हमें एंड का यूज नहीं करना है, जैसे कोई ट्रेड डील हुई है, बहुत बड़े जो दो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो हमें उनमें एंड नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, उसमें सेमीकॉलन लगाना है। नेक्स्ट है यूज न्यूमेरिकल रादर देन स्पेलिंग। अब जैसे कोई फिगर है कि 10 लोगों को कुछ पर्टिकुलर प्राइस मिला है, तो जो हम 10 लिखेंगे, हम वो क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिक्स में लिखेंगे, उसकी हम स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। क्यों? एक तो क्या है, ये स्पेस सेविंग है, इससे हम स्पेस अपना बचा सकते हैं, कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं, और ये दिखने में भी प्लीजिंग लगता है। नेक्स्ट है ओमिट एंड पंक्चुएशन। नेक्स्ट रूल क्या है, जो एंड पंक्चुएशंस हैं हमें वो ओमिट कर देनी है। अगर आप उनको लगाएंगे तो भी ठीक है, आप नहीं भी लगाएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन इज
एट्रीब्यूशन जो है वो ऑनलाइन राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है जिसमें कोई कोट आ रहा है फेमस पर्सनालिटी का, तो हमको क्या करना है उसको, मीन्स उसको हमें एक वैल्यू देनी है कि ये पर्टिकुलर जो कोट है वो किसने कहा है, हमें उनको एट्रीब्यूशन देना है। नेक्स्ट है यूज सिंगल कोट मार्क्स। जो भी हम कोट्स दिखाते हैं हमें वो सिंगल कोट में यूज करने हैं, डबल कोट्स में यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट, लिंक टू डिजिटल पेजेस क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन रिलेटेड सेक्शंस ऑफ टेक्स्ट एसोसिएटेड ग्राफिक मटेरियल। हाइपरटेक्स्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का लिंक होता है जो पेज में, जैसे कुछ हम डिटेल में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं उसको हम हाइपर लिंक दे देते हैं। उससे क्या होता है जब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज पर ले जाता है जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन और डिटेल में मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।